आज मैं गाड़ी ना सेकंड सर्विस के लिए लेकर आया। गाड़ी खोल रखी है, गाड़ी की क्लीनिंग चल रही है अंदर से। एक्चुअली मैं लॉन्ग टूर पे गया था, पुणे से पटना एंड देन पटना से बैक पुणे, तो गाड़ी अंदर से बहुत गंदी होगी। गाड़ी की क्लीनिंग का काम चल रहा है और सेकंड सर्विसिंग है ड्यू। आपको सर्विस एडवाइजर से भी बात करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या चेंज होता है सेकंड सर्विस और क्या क्या होगा, आपको सारे डिटेल्स देता हूँ। सर्विस एडवाइजर भी फ़ोन पे है। सेकंड सर्विस के सारी डिटेल्स मैं आपको ना थोड़ी देर के बाद देता हूँ कि क्या क्या गाड़ी में क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या नहीं चेंज हो रहा है। सेकंड सर्विस में क्या क्या करते हैं अभी? इसमें एयर फिल्टर होता है, क्लीन करते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना कूलेंट, ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल, सब मैक्सिमम है, सब लेवल बराबर है। ठीक है, ठीक है। ये दोनों, इसमें पानी डाल दिया वाइपर का, सेटिंग करवा दिया। अच्छा, वाइपर में थोड़ा ना आवाज आ रहा था, वो एक्चुअली कैसे ड्राई में चला हो गया ना, आई गई नहीं, कल बारिश में ही चालू हुआ, उसके पहले चालू नहीं हुआ, बारिश में चालू हो रहा था। वो डस्ट रहने की वजह से आवाज था। उसके बाद में आपका नीचे से लीकेजेस वगैरह चेक किया, इंजन ऑयल यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे चेक होता है, लाइट्स चेकअप करके लिया, लीकेज सस्पेंशन की बॉल्स टाइट करवा के लिया, पीछे की लाइट चेकअप करके लिया। डीएफ तो अपने गाड़ी में ऑलरेडी है, डीएफ नहीं डालते ना तो अपने प्रिंसिपल डालना पड़ता है। हाँ, डालना ही पड़ता है। वो डीएफ मेरा ना एकदम कम हो गया था, मैं मतलब वार्निंग आ गया था, वार्निंग आ गया तो मैं औरंगाबाद ही पहुँचा था। वार्निंग में आपको लिख के भी आएगा इतना किलोमीटर जाए, हाँ वो तो ध्यान नहीं दिया। मैं औरंगाबाद पहुँचा ना तो वहाँ वार्निंग आ गया था और मैं आ रहा था पटना से आ रहा था, 2000 किलोमीटर है। ओके, तो फिर मैं सर अब क्या करूँ, पहले लगा कि शायद पहुँच जाऊँगा, फिर मैं सर रिस्क क्यों लूँ। हाँ, तो डीएफ का जो टैंक है 15 लीटर का है और वो 6-7 हज़ार के बीच में चलता है एक फुल करने के। और उसमें जो पहले रिमाइंडर आएगा ना, पहले लेवल लो के आएगी, कुछ टाइम के बाद में जैसे जैसे कम होते जाएगा ना तो किलोमीटर के साथ बताएगा कि ये डिस्टेंस इतने इसमें इतना जाएगा। हाँ, लेकिन क्या था ना, मैं औरंगाबाद पहुंचा था शाम को 6 बजे। सोचा अगर रास्ते में अगर कुछ होगा तो फिर अच्छा हो गया था, तो फिर इसलिए मैंने वहाँ पे औरंगाबाद में बोले तो यहाँ से इतना औरंगाबाद कितना होगा, औरंगाबाद यहाँ से आपका पड़ता है करीब 250 किलोमीटर। हाँ, तो इसलिए भी मैंने वो मेरे को लगता है 400-500 के रेंज में जब वो ब्लिंकिंग चालू हुआ। अच्छा, तो इसलिए मैंने ना वो करवा दिया उसको फिर। सर को रिव्यू तो वो है, बाकी का कुछ एडिशनल ऐसा लगा नहीं मेरे को, सब प्रोसेस में ओके, बाकी सब ठीक है ना। बैटरी वगैरह का कुछ इशू तो ऐसे मेरे को तो कोई इशू आया नहीं अभी चलाने में, ओके लग रहा है ना? चलाने में कुछ इशू नहीं आया, वो सर्विसिंग का इशू हो गया था बस। गाड़ी बहुत क्या करना है अभी, थर्ड थ्री में आपका थोड़ा चला ही ज़्यादा, बराबर ना, थोड़ा ज़्यादा चल रहा है अभी, 9000 ही पकड़ लो वो हिसाब से, 6000 में ऑयल चेंज की रिक्वायर्ड होगी। उसमें इंजन ऑयल मेजर मीन्स कॉस्ट वाला खर्चा है, इसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, मेरे हिसाब से फ्यूल फिल्टर एक रहेगा और ये फ्यूल फिल्टर है। करीब कितना, 15000 का खर्चा? 14-15 हज़ार, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब करवा उस टाइम पे। और ये जो आपने बोला था 1800 रुपये के आसपास का पार्ट है, वो डालना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो आऊँगा तो या बीच में कभी आऊँगा डाल दूँगा, बीच में डाला दूँगा। ठीक है ना, ठीक है। क्लीनिंग कब कब खत्म होगा? पूरा हो गया भाई, सिर्फ वॉशिंग होने के बाद जो पॉलिशिंग वगैरह वो करवा, वो इंटरनल आप कह रहे ना क्लीनिंग कराओगे, आधे से ज़्यादा होगा। सीट्स वगैरह की, फ्लोर वगैरह, अभी ये सिर्फ फाइनल करना है, ये देखो ये पैच फाइनल करने, वो देखो फाइनल करना है। ये पूरा है, ये
ठीक है, डोर के पैनल ये ये हुआ है, अभी आधा सीट हुआ है, सीट वगैरह करवा के लिए, अभी वैक्यूमिंग करवा के लिए, फिर वो मैटिंग वगैरह हो गई, ठीक है, मतलब कैसे और बाकी पूरा नहीं हुआ, 50% हुआ, 50% बाकी, तो वो जल्दी जितना जल्दी होगा करवा दो, थोड़ा बड़ा गाड़ी है ना वो, टाइम लगता है, तीन लेकर दे देना गाड़ी, करता हूँ, बोला ना गाइज, मैंने सेकंड सर्विसिंग कराया सेकंड, लेकिन सेकंड सर्विसिंग कराने के बाद गाड़ी में ये दो लाइट्स जलने लगे हैं, एक इंजन ऑयल का है और एक और एक साइड में देखे एक सिग्नल आने लगा है, ये एज पर मैनुअल ये SCR मेल फंक्शनिंग का है, तो अभी इनको दिखाया है, ये लोग लैपटॉप लगा के देख रहे हैं क्या इशू है और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। बाकी गाड़ी का सेकंड सर्विसिंग का बाकी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया, अंदर से ऊपर से मैंने क्लीनिंग वगैरह करा दिया, बाकी सारा काम हो गया, लेकिन ये सर्विसिंग कराने के बाद एक ये दो लाइट जलने लग गए हैं, लेट्स सी क्या है इशू क्या है, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या हुआ है। कनेक्टिविटी पोर्ट होता है कनेक्टिविटी पोर्ट रहता है वहाँ पे, उससे लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप कनेक्ट करके उस लाइट्स को, वार्निंग लाइट्स को वो चेक कर रहे हैं, मतलब क्या कर सकते, मेमोराइज है क्या ये फ्लो आता था क्लस्टर में नहीं नहीं कुछ नहीं, वो फूल है सब, देखते हैं आगे क्या होता है, बताता हूँ मैं आपको। गाइस ये जो ये था जो दोनों सिग्नल्स थे वार्निंग सिग्नल्स वो दोनों अभी गए नहीं है, मेरे को वहाँ पे मैंने टेक्नीशियन से बात किया, टेक्नीशियन ने बोला कि ये क्योंकि DF एक बार लो आ गया था इसकी वजह से ये आ रहा है, आपको ना 30 किलोमीटर गाड़ी को कंटिन्यूस ड्राइव करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, तो लेट्स सी 30 किलोमीटर्स ड्राइव करूँगा और ड्राइव करने के बाद जाता है कि नहीं जाता है, और नहीं जाएगा तो फिर गाड़ी को लेके बिकॉज उनके सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, मेन सर्विस सेंटर, लेट्स सी आई अपडेट यू क्या होता है, थैंक यू गाइस। सो सर्विस सेंटर गया तो सर्विस सेंटर में मुझे बोला ये एरर जाने के लिए आपको 30 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ेगा बिना रुके, अब देखिए आपने देख आप देख सकते हैं ये ट्रिप मैंने 30 किलोमीटर का ट्रिप मैंने कर लिया है, टोटल किलोमीटर्स जो है वो 30 point something हो गया है, और अभी मैं यहाँ से कर गाड़ी को ज़्यादा क्लियर दिख पाएगा आपको 30.9 किलोमीटर, क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 30.9 किलोमीटर है, 13.2 किलोमीटर पर लीटर का मैं एवरेज दिया, और नीचे देखिए आपको एरर अभी भी आ रहा है, इसके बाद मैं गाड़ी अभी गाड़ी घर पहुँच के बंद करूँगा और फिर से एक बार रिस्टार्ट करूँगा, तब देखता हूँ एरर गया है कि नहीं गया, और अगर एरर नहीं गया होगा तो फिर सर्विस सेंटर में कल गाड़ी मुझे फिर से लेके जानी पड़ेगी, आज मुझे इस चीज़ के लिए दूसरी बार मैं गाड़ी आज लेके आऊँ सर्विस सेंटर में, लगता है कल तीसरी बार भी जाना ही पड़ेगा। गाइस वो इशू अभी तक देखो रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए मैं आज टाटा का सर्विस सेंटर के मेन सर्विस सेंटर में लेकर आया हूँ पुणे के जो वागोली में है, लेट्स सी क्या होता है, उन्होंने वो ने तो खोल दिया है, वो लैपटॉप लेने गया है बंदा, लैपटॉप लगा के चेक करेगा क्या इशू है, देखते हैं ये SCR कुछ तो SCR इशू कुछ बता रहा है। इस गाड़ी तो आ गई है, इसको दिया था बनने के लिए, सर्विस सेंटर से वापस आ गई है, देखते हैं गाड़ी के अंदर कुछ हो गया ठीक कि नहीं हो गया, एक बार मैं गाड़ी चेक कर लेता हूँ सारा कुछ, सब तो ठीक लग रहा है,
वो ठीक हो गया हो? वो ठीक हो गया हो? देखे क्या एक बार? चलो देखते हैं। गाइस फाइनली गाड़ी मुझे मिल गई सर्विस सेंटर से। जस्ट अभी अभी मेरे को गाड़ी देखे गया हो। देखिए अभी सारे के सारे एरर मैसेजेस जा चुके हैं। सर्विस सेंटर वाले ने बताया है कि गाड़ी का जो DF का पाइप होता है, जिससे कि DF टैंक से जो इंजन में जो पाइप सप्लाई होता है उसमें लीकेज था, जिसकी वजह से DF सप्लाई कम हो रहा था, इसलिए वो सेंसर ने एरर मैसेज थ्रो कर रहा था। वो तो DF पूरा उन्होंने चेंज किया है, DF का जो पाइप जो था वो चेंज किया उन्होंने, और इसके लिए कोई भी चार्जेस कंपनी ने नहीं लिए, जीरो चार्जेस हुए। गाड़ी में तो पूरी धो के भी दिया गाड़ी में, तो सर्विस से तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। पूरी गाड़ी धोई है और उन्होंने पिकअप और ड्रॉप के भी कोई चार्जेस अलग से उन्होंने नहीं लिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने वे ऑफ कर दिए थे। ये देखिए चार्जेस भी आपको दिखाता हूँ। जीरो चार्जेस, सो गुड। गाड़ी अभी तो आज चलाएंगे, शाम को लेके जाएंगे गाड़ी, फिर देखेंगे गाड़ी का क्या है। लेकिन बाकी अभी तो गाड़ी एकदम सही दिख रही है, एकदम साफ सुथरी अच्छी लग रही है, देखने में मज़ा आ रहा है। चलिए ये था सर्विस, सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस। इट वाज बिटर एंड स्वीट वाला हिसाब था। फर्स्ट टाइम में तो नहीं हुई गाड़ी ठीक, लेकिन सेकेंड टाइम में हो गई। तो कहते हैं जो अंत भला तो सब भला, सो ऑल वेल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे नहीं बोलना ना।